गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। एम आई ऑडिबल ऑल? गुड आफ्टरनून प्रसाद, गुड आफ्टरनून रेली, गुड आफ्टरनून गणेश, गुड आफ्टरनून प्रदनया, नंदिनी, आदित्य, गुड आफ्टरनून सानिका, चैताली, साक्षी, रिया, मंजरी, वेरी गुड आफ्टरनून ऑल। ओके तो बेटा, सबसे पहले तो मैं उन लोगों से बात करना चाहूंगा जो कल जल्दी भाग गए थे। 10 से 12 स्टूडेंट ऐसे थे जो कल जल्दी भाग गए थे। मेरे पास लिस्ट है, उनका रिकॉर्ड भी है। ओके तो मुझे ये बताइए बेटा, क्या आपको ईयर समझ में आ गया है अच्छी तरह से? ये बात आनी नहीं चाहिए कि हमें समझा नहीं है, ठीक है? मैंने अपने तरफ से फुल एफर्ट दिया हूं आप लोगों को समझाने के लिए, लेकिन फिर आप लोगों की जो लापरवाही या फिर जो गलती या आपकी जो पर्सनल प्रॉब्लम है उसकी वजह से यदि आप क्लास नहीं करते हो तो प्रॉब्लम ऐसा होता है कि आप लोगों को पर्टिकुलर वो टॉपिक समझ में नहीं आता है, और नहीं आता है तो अननेसेसरी फिर आप अपने ही फ्रेंड्स को या इधर उधर ऐसा कहते हो कि मुझे वो समझा नहीं। तो बेटा बायोलॉजी के लिए सिर्फ और सिर्फ आपके लिए सॉल्यूशन सिर्फ मैं ही हूं। कोई चीज नहीं समझी तो आप मुझसे कह सकते हो कि सर वो पार्ट मुझे नहीं समझा, तो मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है? अभी तक के वैसा हुआ नहीं है, बट जनरली स्टूडेंट ऐसा ही करते हैं, ठीक? तो आपका जो भी प्रॉब्लम है, ठीक है, वो आप मुझसे पूछो। अपने फ्रेंड्स को, अपने पेरेंट्स को या फिर किसी और को यदि आप इस तरह से कहोगे कि मुझे वो समझा नहीं, तो क्या बेटा वो आपको वो समझाने वाले हैं क्या? बायोलॉजी के बारे में आपसे ज्यादा वो जानते हैं क्या? नहीं। तो बायोलॉजी की जो भी प्रॉब्लम है उसके लिए मैं हूँ आप लोगों के पास, ठीक है? चलो, तो अभी तक ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं आया है, लेकिन फिर भी मैं खुद से आप लोगों से ये पूछ रहा हूं कि बेटा कुछ प्रॉब्लम है तो मैं रिवाइज करवा देता हूं, नहीं है तो ईयर बैलेंसिंग का एक छोटा सा पार्ट रह गया था वो हम कंटिन्यू करेंगे, और फिर आज हम नेक्स्ट चैप्टर जो है वो स्टार्ट करेंगे। तो सिर्फ पहले आप हैंड रेस कीजिए, कल के लेक्चर से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम है यदि आपको तो वो पूछिए, और नहीं है तो फाइनली बेटा ये जो ईयर जो बैलेंसिंग जो होती है और मैकेनिज्म ऑफ हियरिंग जो है ये वाला पार्ट रह गया है हमारा, ठीक है? ये आज हम कंप्लीट करेंगे। तो रेज योर हैंड क्विकली इफ यू हैव एनी टाइप ऑफ डाउट। रैली का नीड है, एक बार रिवाइज करना है। ओके हाँ बेटा, वही वेस्टिबुलर एपरेटस बाकी है बेटा, वही कंप्लीट करेंगे हम। आज हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे बेटा, केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। ये मैं उन लोगों से बात कर रहा हूँ बेटा सबसे पहले जो 10 लोग कल भाग गए थे जल्दी से, आखिरी के 10 से 15 मिनट का क्लास जिन लोगों ने अटेंड नहीं किए। तो ओके, सानिका भी कह रही है रिवाइज करो। आर्यन कह रहा है कि कॉकलिया का जो लास्ट वाला पार्ट जो सीधा करके समझाए थे वो एक बार बताओ, ठीक है बेटा? ओके चलो, बहुत से स्टूडेंट ये चाह रहे हैं कि सर एक बार रिवाइज करवा दो। तो देखिए बेटा, रिवाइज कर लेते हैं हम लोग। ओके कल हम लोग यहाँ पर जो स्टडी कर रहे थे जिसमें हम लोगों ने देखे थे क्या चीज, ईयर। और ईयर में हम लोगों ने क्या देखे थे कि ईयर जो है यहाँ पर इसके मेन दो रोल होते हैं। एक तो हमारे बॉडी को बैलेंस जो है वो करके रखता है सबसे पहली चीज तो, और बैलेंसिंग के साथ ही साथ हमारे जो क्या कह सकते हैं हियरिंग का जो मैकेनिज्म्स है उसमें भी इन्वॉल्व होता है, ठीक है? तो अब यहाँ पे हमारे बॉडी का जो बैलेंसिंग जो है या फिर हियरिंग में जो इन्वॉल्व हो रहा है ये कैसे होता है? ओके तो यहां पर
हम लोगों ने कल जो स्टडी किए थे वो यहां से देखे थे। तो ईयर के बेटा मेन थ्री पार्ट्स है, ठीक है? एक जो एक्सटर्नल वाला है, एक मिडल वाला और एक इनर ईयर, ठीक है? एक्सटर्नल, मिडल एंड इनर ईयर जो है मेन थ्री पार्ट है। तो ये एक्सटर्नल ईयर में हमने देखे थे पिन्ना, ऑडिटरी मिएटस, और ये था टिम्पेनम। पिन्ना साउंड को कलेक्ट करेगा, ऑडिटरी मिएटस में हेयर्स और एक ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं जो वैक्सीन सब्सटेंस सिक्रेट करता है, जो पैथोजन बैक्टीरिया और डस्ट को हमारे ईयर के अंदर आने से रोकता है। टिम्पेनिक मेम्ब्रेन जो होती है, जो बाहर साइड एक स्किन और अंदर एक म्यूकस से फॉर्म होती है। फिर उसके बाद जो टिम्पेनिक मेम्ब्रेन है, इसके बाद अंदर साइड यदि हम देखें तो वो आता है इनर ईयर, जिसमें थ्री ईयर ऑसिकल्स मतलब थ्री बोन्स प्रेजेंट होती है। मेलियस सबसे पहले रहेगी, जो टिम्पेनिक मेम्ब्रेन से एक साइड से कनेक्ट होता है और दूसरे साइड इनकस से कनेक्ट होता है। दूसरा बोन जो इनकस होता है, जो एक साइड मेलियस से और दूसरे साइड स्टेपिस से कनेक्ट होता है, और थर्ड आती है स्टेप, जो हमारे बॉडी का स्मॉलेस्ट बोन होता है, जो एक साइड इनकस से और इधर साइड होता है ओवल विंडो। क्या होता है यहाँ पर? ओवल विंडो, जो कॉकलिया का रीजन है, इंटरनल ईयर का पार्ट है, उससे कनेक्ट होता है। फिर इंटरनल ईयर में आए हम, जिसमें एक राउंडेड जो एक स्ट्रक्चर जो दिख रहा था कॉकलिया, और थ्री सेमी सर्कुलर कैनाल इस तरह से प्रेजेंट होती है। ये जो इनर ईयर है, इस पे जब हम गए तो उसमें हम लोगों ने देखे कि इनर ईयर जिसमें एक ओवल विंडो है जिसे फोनेस्ट्रा ओवेलिस, और साथ ही साथ एक राउंड विंडो है जिसे फोनेस्ट्रा रोटुंडा कहते हैं। फिर इनर ईयर पे जब हम आए इस तरह से, तो सेमी सर्कुलर कैनाल और कॉकलिया के अलावा यहाँ पे ये इनर ईयर जो है इसको दो पार्ट में डिवाइड किया है। एक ऐसा पोर्शन जो बोन से कनेक्टेड है हमारा, ये बाहर वाला पार्ट जिसे बोनी लेबरिंथ कहते हैं, और एक अंदर जो मेम्ब्रेन से बना हुआ पोर्शन है जिसे मेम्ब्रेनस लेबरिंथ कहते हैं। तो जो बोनी लेबरिंथ की जो कैविटी होती है, बोन का कैविटी, यहाँ पे कुछ फ्लूइड प्रेजेंट होता है, इसे कहते हैं पेरिलिम, ये वाला, ठीक है? इसे क्या कहते हैं? पेरिलिम। और अंदर वाला जो पोर्शन है जो मेम्ब्रेनस लेबरिंथ होता है, यहाँ पे जो फ्लूइड प्रेजेंट होता है उसे कहते हैं एंडोलिम। अब यहाँ पे ये जो है आपस में अलग अलग इसके पार्टीशन है। पार्टीशन कब कहेंगे हम? जैसे हम लोगों ने हार्ट में पढ़े थे कि हार्ट के फोर चैम्बर होते हैं, बट अभी यहाँ पे आपको हार्ट के फोर चैम्बर दिख रहे हैं क्या? नहीं दिख रहे। कब कहेंगे हम इसके फोर चैम्बर? जब इसके बीच में एक ऐसा पार्टीशन और एक ऐसा पार्टीशन आ जाएगा। तो एज इट इज यहाँ पे कुछ मेम्ब्रेन रहती है, तो ये इस तरह से यहाँ पे एक मेम्ब्रेन होती है, मेम्ब्रेन से ये सेपरेट होगा, तो ये एक पार्ट, ये दूसरा पार्ट, ये तीसरा पार्ट, ये सबसे ऊपर का और ये बीच का और नीचे का, ये पोर्शन के बीचों बीच में ऐसी दो मेम्ब्रेन आ रही है, जिसमें एक रेजिनस मेम्ब्रेन होती है और एक बेसिलर मेम्ब्रेन होती है। तो ये रेजिनस मेम्ब्रेन जो होता है, जो स्केला मीडिया पहला वाला, कौन सा? ये बीच वाला जो है स्केला मीडिया, और सबसे टॉप पे है स्केला वेस्टिबुलाई, इन दोनों को सेपरेट कर रहा है। और नीचे वाला स्केला टिम्पेनी और स्केला मीडिया को सेपरेट करने के लिए मेम्ब्रेन आता है, उसे बेसिलर मेम्ब्रेन कहते हैं। तो इस तरह से यहाँ पे थ्री रीजन हो गए, स्केला वेस्टिबुलाई, स्केला मीडिया और स्केला टिम्पेनी। फिर ये जो कॉइल्ड कोकलिया है, इसका हमने स्ट्रक्चर देखे थे, तो इस कॉइल्ड कोकलिया को हमने सीधा किए थे। तो सबसे ऊपर जो था वो क्या था? स्केला वेस्टिबुलाई, बीच वाला स्केला मीडिया, और अंदर वाला क्या था? स्केला टिम्पेनी। स्केला वेस्टिबुलाई और स्केला टिम्पेनी में पेरिलिम्फ होता है, और स्केला मीडिया में एंडोलिम्फ होता है। अब देखो इसी में ये वाला जो पोर्शन जहां से ओवल विंडो होती है, यहां से स्टेप्स कनेक्ट होता है, स्टेपिस जो हमारी बोन है ये कनेक्ट होती है, ये इधर वाइब्रेट करती है। लास्ट में मैंने आखिरी वाला एक एनिमेशन जो है आप लोगों को एक्सप्लेन किया था, ठीक है? तो यहाँ पे ये जो वाइब्रेशन जो होगा, तो ये इस तरह से यहां से इस तरह से ये वाइब्रेशन जाता है और रिटर्न बैक इधर आता है। तो ये कुछ वाइब्रेशन यहां से रेजिनस मेम्ब्रेन से होते हुए इसके अलावा मीडिया पे जाते हैं, इसके अलावा मीडिया पे ऊपर टेक्टोरियल मेम्ब्रेन प्रेजेंट है। कौन सा मेम्ब्रेन प्रेजेंट है? टेक्टोरियल मेम्ब्रेन। इसका नाम नहीं लिखे क्या यहाँ पे हमने? ये वाला जो मेम्ब्रेन है ये क्या है? टेक्टोरियल मेम्ब्रेन। ओके, अब ये पेन सही से चल नहीं रहा बेटा, बाद में हम देखते हैं इसको। तो ये जो मेम्ब्रेन है, ये जब वाइब्रेट होती है तो नीचे साइड जो स्टेरोसिलिया जो प्रेजेंट होता है उसको वाइब्रेट करता है। ये स्टेरोसिलिया किसका पार्ट है?
ये पार्ट होता है ऑर्गन ऑफ कॉर्टिका। स्टेरोसिलिया मतलब एक सेंसरी हेयर सेल्स प्रेजेंट होती है इस तरह से। तो ये हेयर सेल का अपेक्स और बेस, अपेक्स पे ऐसा सिलिया प्रेजेंट होता है, अब बेस के साथ ऐसा ऑडिटरी नर्व कनेक्ट होता है, ठीक है। तो सिलिया पे जब इधर से वाइब्रेशन आया तो ये वाइब्रेशन इंपल्स ऐसा करंट, जैसे जस्ट लाइक जो वायरिंग, और इधर हमने एक दूसरे करंट की वायरिंग से जोड़ दिया, तो करंट का फ्लो यहां से होते 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 ऐसा आगे बढ़ेगा, तो ऑडिटरी नर्व के पास इंपल्स पास होते हैं। तो कोक्लिया जहां पे प्रेजेंट होती है बेसिलर मेम्ब्रेन, वहां पे एक स्पेशल ऑर्गन होता है जिसे कहते हैं ऑर्गन ऑफ कॉर्टी, जहां पे सेंसरी हेयर सेल प्रेजेंट होती है जो एक्शन पोटेंशियल जनरेट करता है, जो ऑडिटरी नर्व को देते हुए हमारे ब्रेन तक पहुंचाएगा और इस तरह से हमें कोई भी चीज सुनाई देता है। ये हम लोगों ने कल यहां पर स्टडी किए थे, ठीक है बेटा। अब हम लोगों को यहां पर क्या चीज नेक्स्ट अभी जो स्टडी करना है, इसके जस्ट बाद वाला पार्ट जिसे कहते हैं वेस्टिबुलर एपरेटस। क्या कहते हैं? वेस्टिबुलर एपरेटस, ये अभी हम लोगों को पढ़ना है। तो वेस्टिबुलर एपरेटस जो होता है क्या चीज, वेस्टिबुलर एपरेटस जो है ये कंसिस्ट होता है, ये जो बना होता है जनरली दो पार्ट से बनता है, जिसमें एक आता है जिसे कहते हैं ओटोलिथ ऑर्गन। क्या कहते हैं? ओटोलिथ ऑर्गन। और दूसरा आता है जिसे कहते हैं सेमी सर्कुलर कैनाल। क्या क्या आ रहा है? एक आ रहा है ओटोलिथ ऑर्गन और दूसरा आ रहा है जिसे क्या कहते हैं सेमी सर्कुलर कैनाल। तो अभी यहां पे ये जो ओटोलिथ ऑर्गन जो होता है इसमें कंटेन होता है एक तो यूट्रिकल, याद आ रहा है पढ़े थे हमने यूट्रिकुलस, और दूसरा यहां प्रेजेंट होता है सेक्युलस। ओके, सेमी सर्कुलर कैनाल जो होता है इसका जो बेस जो होता है उसे क्रिस्टी कहते हैं, और यूट्रिकल और सेक्युल का जो बेस होता है उसे मैक्यूला कहते हैं। ये दोनों क्या है बेटा? ये सेंसरी स्पॉट है। क्या है ये? ये दोनों भी जो है ये सेंसरी स्पॉट है। ये जो सेंसरी स्पॉट है मैक्यूला, ये आर नहीं आएगा ठीक है, क्या ये मैक्यूला। तो यहां पे रोल क्या है? तो हमारे बॉडी में बेटा दो टाइप के मूवमेंट होते हैं, एक स्टैटिक इक्विलिब्रियम होता है और एक डायनेमिक इक्विलिब्रियम होता है मूवमेंट। स्टैटिक इक्विलिब्रियम और दूसरा आता है डायनेमिक इक्विलिब्रियम, ठीक है। तो सेमी सर्कुलर कैनाल जो होता है ये हमारे बॉडी का जो डायनेमिक इक्विलिब्रियम जो है इसे मेंटेन करता है। अब डायनेमिक इक्विलिब्रियम मींस क्या होता है? जो हमारा पोस्चर जो चेंज होता है ना, जो पोस्चर चेंज में जो हेल्प करता है वो सेमी सर्कुलर कैनाल की हेल्प से होता है, ठीक है। तो क्या होता है, ये डायरेक्टली स्टिमुलेशन जाता है सेंसरी सेल्स तक के, और हम अपने बॉडी के जो बैलेंस को मेंटेन करते हैं वो सेमी सर्कुलर कैनाल की हेल्प से करते हैं। ओके, समझ में आया बेटा क्या है ये ओटोलिथ ऑर्गन? देखो इसको हम डायग्रामेटिकली समझेंगे कैसा होता है, ठीक है, डायग्रामेटिकली समझेंगे ज्यादा आसानी हो जाएगी समझने में। ये हमारा देखो पिन्ना, ऑडिटरी मिएटस, ये जो था हमारा कौन सा था मिडल ईयर, मिडल ईयर के बाद इस तरह से एक ऐसा स्ट्रक्चर गया था, याद आ रहा है ये ऐसा, ये तो हम लोगों ने कॉकलिया पढ़ लिए, इस तरह से कॉकलिया था। अब इस कॉकलिया के बाद यहां पे ये वाला जो
पार्ट है, ये हमें समझना है। तो इसमें हमें यहां पर ऐसा एक स्ट्रक्चर जो है कल हम लोगों ने स्टडी किए थे, ऐसा क्या कहते हैं इसे, ये दोनों मिला के क्या कहलाएगा, ओटोलिथ ऑर्गन, याद आ रहा है अभी थोड़ी देर पहले एक्सप्लेन किया, एक ये है और एक ये है, क्या क्या है ये बताइए, एक हो गया यूट्रिकल और दूसरा क्या हो गया सेक्यूल, और ये दोनों को कॉमनली हम देखेंगे तो क्या कहलाएंगे, ये कहलाता है ओटोलिथ ऑर्गन, ठीक है। अब ये जो ओटोलिथ ऑर्गन जो है इसके साथ साथ यहां पर क्या चीज बेटा, ये इस तरह से एक कलर चेंज कर करके बनाते हैं, इसके बाद इधर से ये एक और ये एक, ये ऐसा क्या है बेटा, ये इसे कहते हैं सेमी सर्कुलर कैनाल, क्या रहेगा ये सेमी सर्कुलर कैनाल जो इससे कनेक्टेड होगा ऐसा, ओके। तो अभी देखिए ये जो है ओटोलिथ ऑर्गन और सेमी सर्कुलर कैनाल दोनों मिला के क्या कहलाएंगे, वेस्टिब्यूल, वेस्टिबुलर एपरेटस, कौन सा वाला पार्ट बेटा, एक बॉक्स बना लेते हैं आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, ये वाला पोर्शन है, ये इतना, ये वाला पार्ट जो है इसे क्या कहेंगे, इसे कहते हैं वेस्टिबुलर एपरेटस, ओके। और यहां से इस तरह से एक डक्ट जो है ये ऐसा मेम्ब्रेनस लेबरिंथ का ऐसा गया था, याद आ रहा है बेटा, बोनियर मेम्ब्रेनस लेबरिंथ यहां पे भी प्रेजेंट है, सिर्फ ऐसा नहीं कि सिर्फ उधर ही गया है, इसमें भी आपको बोनी और मेम्ब्रेनस लेबरिंथ जो है ये दिखेगा, ये इस तरह से अंदर ऐसा जो ट्यूब के समान एक ऐसा स्ट्रक्चर जाएगा ना ऐसा, यहां पर भी बोनी और मेम्ब्रेनस लेबरिंथ है, ठीक है, जहां पे पेरिलिम्फ और क्या प्रेजेंट होता है, एंडोलिम्फ प्रेजेंट होता है, ओके। अब आप ये पूछोगे कि सर ये क्रिस्टी और मैक्यूला क्या होता है, यूट्रिकल और सेक्यूल जो होता है, अब इसका पिक्चर्स मेरे पास अवेलेबल है क्या, देखने दो यूट्रिकल और सेक्यूल का, हाँ देखो यूट्रिकल और सेक्यूल जो होता है उसका जो बेस जो होता है, ये दिखाई दे रहा बेटा पिक्चर, तो अभी देखिए आप लोगों को ये थ्री सेमी सर्कुलर कैनाल दिखाई दे रही है ये वाली, इसका ये जो बेस जो होता है ये वाला, यहां पर सेंसरी हेयर सेल्स प्रेजेंट होती है जिसको क्रिस्टा एम्पुलरीज कहते हैं, एम्पुलर रीजन होता है ये, यहां पे मैंने जो थोड़ी देर पहले क्रिस्टी लिखा ना, क्रिस्टी क्रिस्टा एम्पुला ये रीजन होता है, मीन्स ये भी एक सेंसरी हेयर सेल्स है, जैसे हम लोगों ने ये ऐसे एक स्ट्रक्चर देखे थे ना, ऐसे हेयर सेल्स होती है जहां पे स्टेरोसिलिया होता है ऐसे ऑर्गन ऑफ कॉटी में, तो ऐसे यहां पर भी बेटा ये जो बेस होता है ना यहाँ पे सेंसरी हेयर सेल्स होती है, और यहां पे एक फ्लूइड प्रेजेंट होता है, यहां पर एक क्या चीज फ्लूइड प्रेजेंट होता है, तो अब क्या होता है जैसे हम अपने जो बॉडी के मूवमेंट करते हैं, आप इधर झुकोगे ऐसे, इधर झुकोगे इधर झुकोगे सीधे हो जाओगे, ये इस तरह से जो मूवमेंट हो रहा है आपके बॉडी का, दिख रहा है ये इस तरह से, ये जो आपके बॉडी का जो मूवमेंट होगा यदि इधर झुके तो इसके अंदर जो फ्लूइड प्रेजेंट है, क्या चीज इसके अंदर जो फ्लूइड प्रेजेंट है, जब आप इधर झुके तो फ्लूइड ऐसे 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 इधर आ गया, या फिर ये इधर आ गया, तो ये फ्लूइड इधर ये ऐसा मूव कर रहा है, ये फ्लूइड का जो मूवमेंट होता है, तो उसकी वजह से ये मूवमेंट जो होता है ये क्या होता है हमारी ये जो
सेंसरी हेयर सेल जो यहाँ पर प्रेजेंट है, ठीक है, जो हेयर सेल यहाँ पे प्रेजेंट है उसके पास सिग्नल जो है वो भेजता है, और जब यहाँ पे सिग्नल जाएंगे तो ये सिग्नल्स ऑडिटरी नर्व हमारी ऐसी कनेक्टेड रहती है जो डायरेक्टली हमारे ब्रेन से कनेक्टेड है, तो वो सिग्नल हमारे ब्रेन तक के पहुंचाता है, सेरेबलम तक के, जो हमारे बैलेंसिंग में हेल्प करता है। इसी तरह से देखो बेटा, इसके बाद ये वाला जो स्ट्रक्चर है ये इस तरह से, ठीक है, एक आपको सेक्यूल दिख रहा है और दूसरा यूट्रिकल दिख रहा है। तो यूट्रिकल का जो बेस और सेक्यूल का जो बेस होता है, यहाँ पे एक स्पेशल टाइप का स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसे क्या कहते हैं, मैक्यूला। क्या कहते हैं, मैक्यूला। तो वहां पर भी मैक्यूला मीन्स एक स्पेशल टाइप का सेंसरी हेयर सेल्स है, सेंसिंग ऑर्गन है ये, सेंसरी स्पॉट। तो ये क्या होता है बेटा, ये भी हमारे क्या सिग्नल को रिसीव करता है, इंपल्स जनरेट होते हैं और वो आगे पास करता है। तो इस तरह से क्या चीज, हमारा जो बॉडी है उसमें क्या कह सकते हैं, एक स्पेशल बैलेंसिंग का मैकेनिज्म जो है यहां पर देखने को मिलता है। ओके, चलो मैं आपको एक एनिमेशन जो है इसकी हेल्प से आप लोगों को समझाता हूं कि हमारा ईयर जो है, ठीक है, ये बैलेंस जो है वो कैसे करता है। ठीक है, जो मूवमेंट जो है वो कैसे होता है ये आपको अभी मैं समझाता हूँ। तो देखिए बेटा, हमारा जो बैलेंसिंग है, जैसे कि सपोज हमारा ईयर में ये सेमी सर्कुलर कैनॉल आप देख रहे हो, थ्री टाइप के सेमी सर्कुलर कैनॉल ये इस तरह से होते बेटा, और इधर साइड कॉकलिया होता है। तो अभी एनिमेशन दिख रहा है ना सभी को, तो ये टाइप्स आते हैं सुपेरियर पोस्ट और लेटरल सेमी सर्कुलर कैनॉल, उतना डिटेल में नहीं जाना। उसके अंदर ऐसा फ्लूड होता है बेटा, पेरिलिम कहते हैं जिसे। तो आप इधर झुके तो ये पैरेलिम्प इधर जाएगा, इधर झुके तो पैरेलिम्प इधर जाएगा, ठीक है। तो ये जब इसका मूवमेंट जब होता है, तो इसके हिसाब से इसके जो बेस जो होता है उस बेस में सेंसर स्पॉट जो प्रेजेंट होता है वहां पे इम्पल्स जनरेट होते हैं, और वो इम्पल्स जब जनरेट होते हैं इसके बेस में, तो वो इम्पल्स क्या करते हैं, हमारे बॉडी हमारे ब्रेन तक के क्या है, एक सिग्नल जो है वो सेंड करते हैं, और वो जो सिग्नल सेंड होता है उसकी हेल्प से हम लोगों को क्या चीज, कोई भी चीजें बहुत अच्छी तरह से मतलब बैलेंसिंग हो जाती है, हमारा बॉडी जो है वो बहुत अच्छे से क्या होता है, बैलेंस हो जाता है। ठीक है, आप देखना एक पैर पे खड़े होकर देखो, थोड़ी देर के लिए आपका बॉडी में इधर उधर हलचल हो रही है, तो वो कैसे हो रही है, ये इसी की वजह से हो रही है। ठीक है, ये मान के चलो जस्ट लगे यहाँ पे बॉल प्रेजेंट है और बॉल इधर उधर भाग रही है। ठीक है, जैसे कि हमने बचपन में गेम खेले होंगे, आपको याद होगा, ठीक है, कैसा गेम खेले, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आपको मैंने एक ऐसा एक बुक दे दिया इस तरह से, या एक कोई तो भी एक इस तरह से एक प्लेट दे दिया, और यहाँ पे एक बॉल रखा हो, मैंने बोला बेटा इधर झुकाओ तो बॉल इधर आएगी, बट बॉल को गिरने नहीं देना है, तो क्या करोगे आप, थोड़ा सा उसको ऊपर करोगे, फिर मैंने बोला इधर उसको डाउन करो तो बॉल इधर चलने लगेगी, फिर धीरे से ऊपर करोगे। तो आपको कुछ भी करके बॉल को इस जगह पे बैलेंस रखना है, लेकिन इसमें जो मूवमेंट है ऊपर नीचे इसमें मूवमेंट भी होना चाहिए इस तरह से, ठीक है, लेकिन बॉल यहाँ बैलेंस रहेगी। तो आप क्या कर रहे हो, उसको बैलेंसिंग कर रहे हो ना एज इट इज बेटा, हमारे ईयर में इसी तरह से यहां पर जो है क्या चीज बैलेंसिंग होती है। ठीक है, हमारा जो ईयर है यहाँ पे इसी तरह से क्या चीज बैलेंसिंग होती है। समझ में आ गया बेटा, एनिमेशन और थ्योरी दोनों क्लियर हो गई। स्लाइड में आ जाते हैं अभी हम लोग, स्लाइड की हेल्प से देखते हैं कैसा हो रहा है सारा पार्ट। क्रिस्टा एम्पुलरिस का लोकेशन जो है वो सेमी सर्कुलर कैनाल के बेस में होता है बेटा। ये कंप्लीट बैलेंसिंग की पढ़ा है मैंने रिवाइज कराने के बाद, अब कौन सा पार्ट रिपीट करना है बोलो, पर्टिकुलर कुछ पोर्शन बताओ तो मैं रिपीट करता हूँ यहां से बेटा, ये स्लाइड से कवर हो जाएगा, फिर डाउट रहते तो पूछो। ओके, देखिए वेस्टिबुलर एपरेटस क्या होता है देखो, तो थ्री सेमी सर्कुलर कैनॉल और ओटोलिथ ऑर्गन दोनों भी मिलके यहाँ पे वेस्टिबुलर एपरेटस फॉर्म कर रहे हैं। ये वाला जो स्ट्रक्चर है ना, ये वाला ये कहलाता है वेस्टिबुलर एपरेटस, जिसमें देखो आपको ऐसे 1 2
एन थ्री, ऐसे थ्री सेमी सर्कुलर कैनाल दिखाई दे रहे हैं। तो सेमी सर्कुलर कैनाल जो है उसमें नीचे का जो बल्जिंग जो एरिया जो होता है वो एम्पुला कहलाता है। ये देखो ये ऐसे कैनॉल ये ऐसा आया तो उसका जो बेस होता है यहाँ पे ऐसा बल्ज के समान ऐसा स्ट्रक्चर दिखाई देगा। ये जो बल्जिंग जो एरिया होता है ये वाला ये एम्पुला कहलाता है, और लंप्स जो होता है वो क्रिस्टा एम्पुलरीज कहलाएगा। ठीक है, ये सेंसर स्पॉट होता है जहां पे लॉन्ग सिलिया मीन सेल्स जो होती है वो प्रेजेंट होती है, उसका एक बंडल्स प्रेजेंट होता है जिसे कुपुला कहते हैं। मतलब ग्रुप ऑफ बंडल्स जो है कंप्लीट जो स्ट्रक्चर, ये जैसे आप यहाँ पे ये जो देख रहे हो बेटा ये जो बेस है, बेस में ऐसा सेंसरी हेयर सेल्स जो आप देख रहे हो ये इस तरह से होता है, दिखाई दे रहे। तो ये इस तरह से ये सेल्स दिख रही है, टाइप्स ऑफ हेयर सेल्स, और अंदर ये ऐसे नर्व फाइबर से कनेक्टेड है, ये सारे फाइबर्स आपस में जुड़े रहेंगे और ये ऐसे आगे पास हो जाएंगे। समझ में आ गया, ओटोलिथ ऑर्गन सेमी सर्कुलर कैनाल। फिर ओटोलिथ ऑर्गन जिसमें यूट्रिकल और सेक्यूल प्रेजेंट होते हैं, क्या चीज, यूट्रिकल और सेक्यूल्स। ये क्रिस्टा तो आपको ये वाला पार्ट समझ में आ गया होगा, बट उसके नीचे का ये वाला जो पोर्शन होता है जिसे क्या कहते हैं, यूट्रिकल और सेक्यूल्स। ठीक है, तो इसका जो प्रोजेक्टिंग रीड्स जो होता है वो मैक्यूला कहलाता है। तो क्रिस्टा और मैक्यूला जो होता है यहाँ पे स्पेशल रिसेप्टर होते हैं, मतलब सेंसरी हेयर सेल्स होती है जो इक्विलिब्रियम और हमारे जो बॉडी का जो पोस्चर होता है, देखो ये जैसे झुक गए, ठीक है, ये इस तरह से जैसे हुआ तो ये इम्पल्स जनरेट हुए, देन ये हमारे ब्रेन के पास सेंड होंगे, इस तरह से यहाँ पर ये मैकेनिज्म होती है। ओके, अब मैकेनिज्म ऑफ हियरिंग यदि हम देखें तो देखो पिन्ना ने साउंड वेव को कलेक्ट किया, साउंड वेव कलेक्ट होते ही ये यहाँ पे पहुंचता है हमारे ईयर ड्रम पे, ईयर ड्रम से तीनों भी जो बोन्स होती है हमारी उस पर वाइब्रेशन जाता है, ईयर कैनॉल से होते हुए वाइब्रेशन थ्री ईयर ऑसिकल्स जो यहां तक पास होगा। ठीक है, ईयर ऑसिकल्स जो होता है वो डायरेक्टली ओवल विंडो के पास जाएगा, ओवल विंडो जहां पे हमारा कॉकलिया वाला रीजन है, देखो कहां से कहां जा रहे हैं देखते जाओ, ये हमारा यहां से ओवल विंडो, ठीक है, और ये ओवल विंडो जो है यहां से ये हमारा कॉकलिया का ये रीजन है हमारा पेरिलिम एंडोलिम, तो स्केला वेस्टिबुला स्केला टिम्पेनी पढ़े थे जहां पे हमने, तो वाइब्रेशन जो है स्केला टिम्पेनी वहां से होते हुए जो फोर्स जनरेट होता है बेसिलर मेम्ब्रेन पे जहां पे सेंसरी हेयर सेल्स प्रेजेंट होती है, जिसे हम क्या कहते हैं ऑर्गन ऑफ कॉर्टी, जो सेंसरी स्ट्रक्चर है उसके पास सेंसरी हेयर सेल्स प्रेजेंट है, उसके ऊपर में टेक्टोरियल मेम्ब्रेन है, जब ये दोनों वाइब्रेट करते हैं तो वहां पे इम्पल्स जनरेट हो जाते हैं, वो इम्पल्स ऑडिटरी नर्व से कनेक्ट रहते हैं, और देन इम्पल्स जो है ऑडिटरी सेंटर से होते हुए हमारे ब्रेन तक के जाता है, देन हमें हियरिंग जो है ये होती है। ओके, ये लास्ट स्लाइड जो है नहीं समझी बेटा, ये लास्ट स्लाइड जो है यूट्रिकल और सेक्यूल्स क्या होता है ये वाला पार्ट, बेटा एक ही चीज को मैं दो जगह पढ़ाया आपको, ये देखो एक यहाँ पे पढ़ाया मैंने आप लोगों को, ये देखिए आपने यहाँ पे ध्यान दिए थे क्या, ये देखो वेस्टिबुलर एपरेटस सेमी सर्कुलर कैनॉल और ओटोलिथ ऑर्गन। सेमी सर्कुलर कैनॉल में उसका जो बेस होता है, ऐसे ये कैनॉल है ना, तो उसका जो बेस है वो क्रिस्टा कहलाता है, ये क्रिस्टा पे से सेंसरी हेयर सेल्स है और ये ऑडिटरी नर्व से कनेक्टेड है। इसी तरह से यूट्रिकल और सेक्यूल्स ये किसका टाइप है, ओटोलिथ ऑर्गन का। ओटोलिथ ऑर्गन कौन सा वाला पार्ट, ये वाला जो पार्ट है यूट्रिकल और सेक्यूल दोनों को हम कॉमनली क्या कहते हैं, ओटोलिथ ऑर्गन। यहाँ पर भी इसका जो बेस जो होता है ये वाला, यहाँ पे इसको मैक्यूला कहते हैं, मैकुला पे सेंसरी हेयर सेल्स है, ये ऑडिटरी नर्व से कनेक्टेड है जो सिग्नल हमारे ब्रेन तक के पास कर रहा है, ये तो ये क्या कर रहा है हमारे स्टैटिक इक्विलिब्रियम को हेल्प करता है। सेमी सर्कुलर कैनल क्या कर रहा है हमारे डायनेमिक इक्विलिब्रियम को कंट्रोल कर रहा है। अभी समझ में आ गया, अच्छा स्टैटिक और डायनेमिक इसका मीनिंग क्या होता है हिंदी में ये बताओ, फिजिक्स में पढ़े होंगे बेटा आप लोग, स्टैटिक और डायनामिक का मीनिंग क्या होता है ये बताइए पहले, सिंपल हिंदी में इसे कहें तो एक गतिशील और एक अगतिशील बोलते हैं। स्टैटिक मींस रेस्टिंग पोजीशन, वेरी गुड, और डायनामिक मींस मोशन। ठीक है, तो जब मोशन में आपका बॉडी जो बैलेंस हो रहा है वो डायनामिक है, किसके हेल्प से हो रहा है, सेमी सर्कुलर कैनॉल। ठीक है, वेरी गुड, और रेस्टिंग पोजिशन पे जो आपका जो
बॉडी का पोस्चर जो है, मतलब बॉडी का जो कंट्रोलिंग हो रहा है वो क्या कहलाएंगे, स्टैटिक इक्विलिब्रियम। समझा अभी? अभी क्लियर हो गया बेटा? अभी किसी का डाउट है? चलो सभी के यस रिस्पॉन्स आ रहे हैं, सभी लोग रिस्पॉन्स करो बेटा, जिन जिन लोगों ने डाउट पूछे थे और बाकी लोग क्रिस्टा बता दो। क्रिस्टी बेटा देखो, क्रिस्टी क्या है, जो सेमी सर्कुलर कैनाल है ना, ये वाला ये दिख रहा है, ये ऐसा देखो, ये एक ऐसा गया है, एक ऐसा गया है और एक ऐसा गया। तो इसका ये जो बेस जो होता है ना, ये वाला, ये जो बेस है ठीक है, इस बेस को क्या कहते हैं, बल्जिंग एरिया, एम्पुला कहलाता है। क्या कहलाता है? एम्पुला। और वहां पे जो सेंसरी हेयर सेल जो प्रेजेंट होंगी, ये वाली, ये क्या हो गई, क्रिस्टा। देखो माइटोकॉन्ड्रिया में क्रिस्टी जो होता है वो अलग है ना, माइटोकॉन्ड्रिया में एक क्रिस्टी होता है, एक अलग है। चलो समझ में आ गया अभी? हाँ, कॉकलिया का क्या डाउट है पूछो बेटा। एट द बेस ऑफ कॉकलिया स्केला वेस्टिबुलाई एंड एट द ओवल विंडो, वाइल द स्केला टिम्पैनी टर्मिनेट एट द राउंड विंडो विच ओपन इनटू द मिडल ईयर। सही तो है ना? देखो बेटा, आपका जो डाउट आ रहा है यहाँ पे, कॉकलिया का बेस ठीक है, देखो मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूं आपको क्या है यहाँ पर। एनसीईआरटी में जो ये स्टेटमेंट दिया है, एट द बेस ऑफ कॉकलिया, देखो ये हमारा मिडल ईयर था इस तरह से, और ये यहाँ पे ओवल विंडो और ये राउंड विंडो है, याद आ रहा है? तो ओवल विंडो से इस तरह से ये कॉकलिया इस तरह से अंदर गया हुआ है, ये ऐसा, ये ऐसा स्ट्रक्चर है बेटा, ये जो कॉकलिया से जो राउंडेड होके ऐसा अंदर गया है ना, ये ऐसा, ये वापस आके इधर, उसका एक ओपनिंग भी होती है, कल एनिमेशन में मैंने दिखाया था आपको ठीक है। तो अब क्या होता है, यहां से क्या चीज, स्टेपीज जो ये कनेक्टेड है, तो एट द बेस ऑफ कॉकलिया स्केला वेस्टिबुलाई ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हम लोगों ने जो स्टडी किए थे, तो इसमें सबसे पहले हमने क्या देखे थे, सबसे ऊपर वाला जो पोर्शन स्केला वेस्टिबुलाई, बीच वाला स्केला मीडिया और लास्ट वाला स्केला टिम्पेनी, देखे थे क्या? ये जो हो गया ये क्या हो गया, स्केला वेस्टिबुलाई, और ये वाला जो है ये क्या हो गया, स्केला टिम्पेनी। तो अभी देखिए यहाँ पे आपका जो डाउट आ रहा है, एट द बेस ऑफ कॉकलिया स्केला वेस्टिबुलाई, ये देखो ये स्केला वेस्टिबुलाई, ये जो एंड हो रहा है यहां से इधर, जो एंड हो रहा है कहां पर एंड हो रहा है, टर्मिनेट जो हो रहा है कहां पर हो रहा है, ये ओवल विंडो है ना यहां पर, ये क्या कहलाएगा, स्केला टिम्पेनी। और ओपनिंग इसकी जो हो रही थी कहां पर हो रही थी, राउंड विंडो पे हो रही थी, ये लिखा हुआ है यहां पर। और ये दोनों की ओपनिंग कहां पर है, ये हमारा मिडल ईयर है, ये दोनों की ओपनिंग कहां पर है, मिडल ईयर पे ही ओपन है। हाँ, उल्टा हो गया शायद, ये ऊपर ओवल विंडो था, नीचे राउंड विंडो था। समझ गया बेटा? नहीं, स्टेटमेंट गलत नहीं है, एक मिनट, मैंने आपको वहां पे मार्किंग, मैंने यहाँ पे समझाने में गलत किया हूं। एट द बेस ऑफ कॉकलिया, ये जो स्केला वेस्टिबुलाई है ठीक है, क्या चीज, ये वाला, ये जो स्केला वेस्टिबुलाई है ठीक, यदि आप इसको ये वाले डायग्राम में यदि देखोगे ठीक है, एक मिनट, मेरे पास पिक्चर्स जो है,
जस्ट वेट, मैं पिक्चर्स देख रहा हूँ बेटा। राउंड विंडो साउंड में हेल्प करता है। ये इस पिक्चर्स में शायद आपको समझ में आ जाएगा। देखिए बेटा यहाँ पर ये इधर साइड मिडल ईयर है, ठीक है। ये ऐसे ये दो आपको विंडो दिखाई दे रही है, ये ऐसे ओपन है, ये यहाँ से इस तरह से जा रहा है, तो इधर साइड स्टेप्स होगा, ठीक है। और ये ऐसा टर्न लेते 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 फिर यहाँ से ऐसा ये इधर ऐसा ओपन होता है। अब वो उसके उत्ते अंदर जाके हम देख नहीं सकते बेटा, उसके लिए हमको 3D डायग्राम जो है, मीन्स जब तक एनाटॉमी हम उसका एक क्या कह सकते हैं रियल मॉडल जब तक के पास में नहीं रहे तब तक हम वो समझ नहीं सकते। ओके समझ गया। ओके किसी का डाउट है अभी? देखो यदि डाउट होगा तो मैं फिर से एक बार आप लोगों को रिवाइज करवा दे रहा हूँ। ये देखो ये कॉकलिया है, ये जो है ये क्या है बेटा, कॉकलिया है। अब इस कॉकलिया का ये वाला जो रीजन है ये क्या है, बेस है, दिख रहा है बेटा ये। अब ये कॉकलिया का जैसे सपोज ये कॉकलिया का ये बेस है, ये स्केला वेस्टिबुलाई जो है ये वाला पार्ट है, ठीक है। ये इधर एंड जो हो रहा है यहाँ पे एक विंडो है। तो देखो एट द बेस ऑफ कॉकलिया स्केला वेस्टिबुलाई जो एंड हो रहा है कहां पे होगा, ओवल विंडो पे। और स्केला टिम्पेनी जो टर्मिनेट हो रहा है, जो एंड हो रहा है कहां पर होगा, राउंड विंडो पे। अरे दोनों भी कहां पर ओपन हो रहे हैं, ये क्या है हमारा मिडल ईयर। अब स्टेटमेंट पढ़ो एक बार, हो गया समझ में आ गया? चलो वेरी गुड। तो फाइनली हमारा ये वाला चैप्टर आज कंप्लीट हुआ। अब हम लोग नेक्स्ट जो चैप्टर है वो अभी हम लोग यहां पर स्टार्ट करेंगे, दैट इज क्या बोलना चाह रहे हो मंदर, बोलो। अच्छा सेंस ऑर्गन नहीं बताया, हाँ ठीक है सेंस ऑर्गन देख लेते हैं। ये PDF कल शेयर कर दिया हूँ बेटा नंदिनी ग्रुप में, सारे PDF शेयर हो गए, देखे नहीं आपने? नहीं उसमें सारा है, आगे तक के जाके देखो। हाँ बेटा ये टेस्ट का भी आपका नेक्स्ट इसमें है ना, हाँ सेंसिंग ऑर्गन रह गया वो देख लेते हैं। सेंसिंग ऑर्गन तो यार इजी है, इसमें कुछ ऐसा वो नहीं है। देखो नेक्स्ट जो हमारा सेंस ऑर्गन जो होता है नोज। अब देखिए नोज की हम बात करें तो यहाँ से ये जो नोज होता है तो यहाँ पे ये देखो बेटा एक लोब होता है, इस लोब को कहते हैं ऑल्फैक्टरी लोब। क्या कहते हैं इसे, इसे कहते हैं ऑल्फैक्टरी लोब। ऑल फैक्ट्री लोब जो है यहाँ पे स्पेशल टाइप की सेंसरी सेल्स प्रेजेंट होती है, जैसे इस पिक्चर्स में दिखाई दे रहा हूँ। तो जैसे स्मेल का सेंस होता है तो सेंस होते ही ये जो सेल्स हैं यहाँ पे सबसे पहले क्या है वो सिग्नल जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ये एरिया ऑल फैक्ट्री बल्ब कहलाता है, और फिर यहाँ से होते हुए फिर आगे इस तरह से सिग्नल जो है हमारे ब्रेन तक के पास होते हैं। तो स्मेल जिसे ऑल्फैक्शंस कहते हैं, म्यूकस कोटेड रिसेप्टर्स जो है बेटा जिसे ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर कहते हैं, ठीक है।
जिससे बनता है एक इपिथेलियम वो कहलाता है ऑल्फैक्ट्री इपिथेलियम, ठीक है, जो रिसीव करते हैं किस चीज को, सेंस ऑफ स्मेल को, जहां पे थ्री काइंड ऑफ सेल्स प्रेजेंट होती है, ठीक। जो न्यूरॉन रहते हैं इस ऑल्फैक्ट्री इपिथेलियम से एक्सटेंड होके हमारे आउटसाइड ऑफ एनवायरमेंट जो है उससे कनेक्ट होते हैं, तो वहां पे एक ब्रॉड बीन साइज का एक स्ट्रक्चर होता है जो कहलाता है ऑल्फैक्ट्री बल्ब। ये इस तरह से, ये ऐसे पेयर में, ये ऐसे ब्रॉड बीन शेप में, इस तरह से एक ऐसा स्ट्रक्चर जो है वहां पे देखने को मिलते हैं, ये क्या कहलाते हैं, ऑल्फैक्ट्री बल्ब। तो इधर से सेंस आया स्मेल का, तो ये डायरेक्टली रिसीव करेगा सिग्नल, जनरेट होके इस तरह से नर्व से होते हुए हमारे डायरेक्ट ब्रेन तक के क्या करता है, पास कर देता है, जिससे हमें कोई भी स्मेल का फीलिंग होता है। ओके, तो ये क्या हो गया, नोज। नोज के बाद टंग। टंग तो हम लोगों ने थोड़ा बहुत डाइजेशन में भी पढ़े हैं। टंग जो बेटा टेस्ट के लिए, मीन्स गैस्ट्रो रिसेप्टर यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, गस्टेशन में हेल्प करता है, स्वीट टेस्ट, साल्ट, सोर, बिटर। टंग की जो सरफेस होती है इसे क्या कहते हैं, पेपिली। पेपिली में यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं क्या चीज बेटा, टेस्ट रिसेप्टर। तो ये सर्कमवैलेट पेपिली होता है, फंजीफॉर्म पेपिली होता है, फॉलेट पेपिली होता है। तो ये जो पेपिलीज जो है यहाँ पर क्या चीज बेटा, गैस्ट्रो रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और नोज और टंग जो है इसको स्पेशली कीमो रिसेप्टर की कैटेगरी में रखा है, क्योंकि ये जो डिजॉल्व केमिकल्स जो होते हैं ना उसको भी सेंस कर सकते हैं। टेस्ट एंड स्मेल जो है ये आपस में एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है, ठीक है। और फाइनली जो भी इंफॉर्मेशन हमारे ब्रेन तक के जा रहा है तो इस तरह से पास करते हैं। और इसके बाद नेक्स्ट बेटा, लार्जेस्ट सेंस ऑर्गन हमारे बॉडी का जो है वो क्या है, स्किन है। यहाँ पे हीट, कोल्ड, टच, पेन, प्रेशर, हर टाइप के रिसेप्टर्स यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, हर टाइप के, ठीक है। फ्रेनुलम यहाँ पे थोड़ी आएगा बेटा, थर्वो फ्रेनुलम तो टंग जिससे अटैच्ड होती है, वो रिसेप्टर में नहीं आएगा। ओके, तो देखो बेटा डिफरेंट टाइप के रिसेप्टर हमारे स्किन के सरफेस पे देखने को मिलेंगे, जिसकी वजह से हमें हीट, कोल्ड, ठीक है, पेन, प्रेशर, ये सारी चीजों का जो है सेंस होता है। और कुछ रह गया बेटा इस चैप्टर से, या हो गया कंप्लीट, इतना ही है। हाँ बेटा, कोविड जो है ऑल्फैक्ट्री बल्ब जो है उस पर अफेक्ट करेगा, इनएक्टिव कर देगा। अब बहुत देर से एक ही क्वेश्चन पूछ रहे हैं बेटा, नेक्स्ट टेस्ट में क्या आएगा, नेक्स्ट टेस्ट में ये चैप्टर आएगा, नोज रिपीट करना है। देखो नोज जो है, नोज में ये जो आपको एरिया दिखाई दे रहा है यहाँ पर, ये वाला, तो देखो सबसे पहले ये पेयर ऑफ नॉस्ट्रिल्स है, अंदर हमने इनहेल किए, तो नोज में ऊपर जो नेजल कैविटी होती है हमारा, ये वाला, तो यहाँ पे एक इपिथेलियम सेल्स जिससे बने हुए क्या चीज, ऑल्फैक्ट्री रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं, जैसे क्या कहते हैं इस तरह से ऑल्फैक्ट्री बल्ब, जो सेल्स सेंस ऑफ स्मेल को डिटेक्ट कर रहे हैं। ये देखो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा हूँ, जैसे किसी भी टाइप के फ्लावर का स्मेल जो जाता है हमारे नोज से, तो ये डायरेक्टली हमारे इस तरह से आगे हमारे ब्रेन से कनेक्टेड रहता है। कौन सा मैकेनिज्म बताना बेटा एक बार, ये रिपीट किया मैंने, कौन सा मैकेनिज्म बताना है, बोलो, ईयर का मैकेनिज्म। हाँ ठीक है बेटा, उतना डिटेल में नहीं जाना है हम लोगों को, रेली हमारे एनसीईआरटी ने नहीं दिया है, जितना दिया उतना ही हम देखेंगे। ईयर का देखो मैकेनिज्म जो है एक बार रिपीट करना है, तो अभी देखिए बेटा, सबसे पहले तो डायग्राम से समझाओ या फ्लो चार्ट से समझाओ, ग्रुप में रहते बेटा उतना मेंशन नहीं किया, नीनद डायग्राम से समझाओ। देखो सबसे पहले तो ये जो है हमारा, ठीक है, इस तरह से ये जो आ जाएगा हमारा क्या हो गया, पिन्ना। पिन्ना ने साउंड वेव को रिसीव किया,
रिसीव करने के बाद ऑडिटरी मीटर्स के पास साउंड गया, ऑडिटरी मीटर्स से साउंड ईयर ड्रम पे गया। ईयर ड्रम जब वाइब्रेट होता है तो ये पहला बोन होता है कौन सा, मेलियस, ये वाइब्रेट हुई। ये जैसी वाइब्रेट होती है तो दूसरे बोन जो होती है उसके जस्ट बाजू में होती है उसको वाइब्रेट करता है। इनकस, इनकस जैसे ही वाइब्रेट होता है तो इसके बाद एक बोन होता है जैसे क्या कहते हैं स्टेप्स, ये वाइब्रेट हुआ। ये वाइब्रेट होते ही ओवल विंडो जो है इसके पास वाइब्रेशन जाता है। ये वाइब्रेशन जो है पेरिलिम्फ जो होता है, ठीक है, क्या चीज, ये जो वाइब्रेशन है कहां पे जाएगा, पेरिलिम्फ में। कौन सा पेरिलिम्फ रहेगा बताइए, वेरी गुड, ये स्केला वेस्टिबुलाई के पेरिलिम्फ में गया। पेरिलिम्फ से जो वाइब्रेशन है ये पास होता है यहां पर एक मेम्ब्रेन थी, कौन सी मेम्ब्रेन है, रेजनस मेम्ब्रेन। रेजनस मेम्ब्रेन के बाद इस तरह से आगे पास होता है तो यहां पे होता है एंडोलिम्फ, किसका, स्केला मीडिया का। तो ये वाइब्रेशन जो है यहां से होते हुए इस तरह से इधर पास हो गया। अब वाइब्रेशन जैसे इधर पास हुआ तो यहाँ पे टेक्टोरियल मेम्ब्रेन होती है जिसको इसने वाइब्रेट किया। टेक्टोरियल मेम्ब्रेन जो है ये वाइब्रेट होते ही अब क्या हुआ, टेक्टोरियल मेम्ब्रेन के वाइब्रेशन के बाद क्या होता है, टेक्टोरियल मेम्ब्रेन के वाइब्रेशन के बाद बेटा यहाँ पे ऑर्गन ऑफ पॉटी प्रेजेंट है, जहां पे ऐसा सेंसरी हेयर सेल्स प्रेजेंट है। तो जब टेक्टोरियल मेम्ब्रेन वाइब्रेट हुई तो वाइब्रेट होते ही अभी क्या हुआ बेटा, ये वाइब्रेशन ये हेयर सेल जो है इसको चुभ जाता है। तो जैसे सेंसरी हेयर सेल्स को वाइब्रेशन हुआ तो उससे इम्पल्स जनरेट होते हैं और ये इम्पल्स इस तरह से ऑडिटरी नर्व से कनेक्टेड है जो हमारे ब्रेन जो है टेम्पोरल लोब उससे कनेक्ट होगा जिससे आपको कोई भी चीज सुनाई देती है। ये कॉकलियर ये तो पार्ट है ना बेटा, ये वाला मैकेनिज्म ऑफ इक्विलिब्रियम जो होता है बेटा, देखो ये सेमी सर्कुलर कैनाल है, ये इस तरह से ये एक है, इसी के जस्ट साइड में ये ऐसा दूसरा है। देखो यहां पे यदि एक बॉल मैंने यहां पर रखा, ठीक है, और आप इधर झुके तो ये बॉल किधर जाएंगी, यहां पे आ गई। ये बॉल जैसी यहां पे आई तो यहां पे इस तरह से ये सेंसरी हेयर सेल्स प्रेजेंट है, ठीक है। इधर भी एक बॉल यहां थी तो आप इधर झुके तो ये बॉल यहां से इधर आ गई। अभी एनिमेशन में इतने अच्छे से दिखाया था मैंने, ये बॉल जैसे यहां पे आई तो सेंसरी हेयर सेल से क्या हुई, टच हो गई। ये टच होते ही इसने क्या किया बेटा, एक्शन पोटेंशियल जनरेट किया, जैसे हमारे ऑडिटरी नर्व जो है और वो आगे चल के सेरेबलम से कनेक्टेड है। यदि आप इधर झुके तो ये बॉल इधर आ जाएगी, ये बॉल इधर आ जाएगी, तो ये सेंसरी हेयर सेल से इसके साथ टच हो जाएगी तो ये इधर इस तरह से आगे जाएगा। ऐसे यहां पे ये जो है यूट्रिकल और सेक्यूल है तो यहां पे एक बॉल रखी हुई है, ठीक है, और यहां पे ये सेंसरी हेयर सेल्स प्रेजेंट है। आप इधर झुके तो ये बॉल इधर आ जाएगी, आप इधर झुके तो ये बॉल इधर चली जाएगी। ये बॉल जिधर भी जा रही है उसके अकॉर्डिंग ये जब भी जा रही है तो वो सेल्स को लेके जा रही है ना, किधर में है, कहां पर है वो। तो ये सेल्स आपस में कनेक्टेड है ऑडिटरी नर्व से, वो भी हमारे सेरेब्रम से कनेक्टेड है। इस तरह से फिर आपको आपके बॉडी का बैलेंस होता है। सेरेबलम तक के इम्पल्स जब गया, ठीक है, देखो सेरेबलम तक के जब इम्पल्स गया तो वहां से मोटर इम्पल्स जो है वो रिटर्न बैक आते हैं। हम लोगों ने न्यूरॉन में पढ़े ना बेटा, सेंसरी नर्व और मोटर नर्व याद आ रहा है, क्रेनियल नर्व में पढ़े थे। तो सेंसरी नर्व ने इम्पल्स लेके गया, ब्रेन ने एनालाइज किया और उनको कमांड किया, मोटर नर्व की हेल्प से वापस आया, देन जो इफेक्टर और टारगेट ऑर्गन पे आता है जैसे रिफ्लेक्स और एक्शन में हमने पढ़े थे, तो फिर वहां पे रिस्पॉन्ड करता है हमारा बॉडी। बेटा बॉल फ्लूइड में मूव नहीं होती है, ये मैंने आपको समझने के लिए बताया, जस्ट लाइक एज ए बॉल। हाँ, टारगेट पे आया तो बॉडी का रिस्पॉन्स होगा, टारगेट पे आया तो बॉडी का रिस्पॉन्स क्या होगा। आप गिर रहे थे तो आप गिरते गिरते अपने आपको बैलेंस करोगे कि नहीं, आप एक पैर पे खड़े होके देखो अभी और एक साइड झुको, क्या होगा, बैलेंस करोगे आप अपने आप में। इंपल्स चार्ज है बेटा, हम लोगों ने पढ़े ना, सोडियम पोटेशियम पंप।
क्लियर हो गया? ओके अभी किसी और के कुछ डाउट है? क्योंकि बेटा ये हमारे कंप्लीट 11th एनसीईआरटी के सिर्फ ये दो टॉपिक ऐसे रहते हैं जो बहुत अच्छे से समझना पड़ता है। अभी मंदर का एक रिस्पांस आया कि सर टोटल लाइन टू लाइन एनसीईआरटी पे फोकस करते हैं। बेटा देखो ये टॉपिक को समझने के लिए लाइन टू लाइन एनसीईआरटी पे फोकस करने से कुछ नहीं होता है, समझ गए? बाकी हर जगह पे हम लाइन टू लाइन एनसीईआरटी ही फोकस कर रहे हैं, लेकिन ये जो टॉपिक है इसको आपको इसी तरह से समझना पड़ेगा। चलो वेरी गुड बेटा, ऐसा मैकेनिज्म होता है। अब आपको बहुत सारी चीज अब समझी होंगी। अब देखो मैं ऊपर ऊपर पढ़ा देता तो आपको ये पता ही नहीं रहता कि क्या मैकेनिज्म हो रहा है ईयर और आई का, ठीक है? लेकिन अभी आपका एक एक पार्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो गया। चलो ग्रेट, अब आप एनसीईआरटी पढ़ो, एक एक लाइन अच्छे से समझ में आ जाएगा। अच्छा क्या बोल रहे थे आप? नहीं सर हम हर टॉपिक को एनसीईआरटी से, अच्छा अच्छा इसलिए पूछे, चलो कोई बात नहीं। नहीं बेटा देखो जो भी चैप्टर्स और देखो कोई भी टॉपिक में आपका ऐसा नहीं लूंगा जो आपको आगे चल के प्रॉब्लम क्रिएट करे, मतलब टोटल ये सारे पॉइंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेटेड है। रियली बेटा ये वाला पार्ट मैंने थोड़ी देर पहले ही एक्सप्लेन किया था। एसडब्ल्यू क्या है? एसडब्ल्यू क्या बेटा? मीनिंग क्या है इसका? एसवी क्या है? शॉर्टकट लिखोगे तो नहीं समझेगा। अच्छा इसके अलावा वेस्टिबुलाई एट, एक मिनट, नहीं है बेटा। इसके अलावा वेस्टिबुलाई एंड एट द ओवर विंडो इट शुड बिल ओपनिंग ऑफ, बेटा उसको हम दोनों डायरेक्शन से देख सकते हैं, ठीक है? जैसे कि फॉर एग्जाम्पल यदि हम देखें, ये यहाँ पे कहीं समझाया था मैंने आपको, किधर गया ये देखिए ना, स्केला वेस्टिबुलाई इसका एंड। अब इसको हम जब सीधा, कल आपने एनिमेशन देखे थे क्या कॉकलिया को जब सीधा किया था इस तरह से, तो ये पॉइंट कंप्लीट सीधा हो गया था इस तरह से, याद है? यहां से स्टेप्स जो है इसको वाइब्रेट कर रहा था, तो ये ऐसे रेडिएशंस में ऐसे मतलब वेव जो है ये जा रही थी इंपल्स और यहां तक के जा रहा था। तो ये हमारा क्या हो गया, स्केला वेस्टिबुलाई का ये आधा पोर्शन था, तो ये स्केला वेस्टिबुलाई हो गया और उधर वाला स्केला टिम्पेनी। तो टर्मिनेट टिम्पेनी पे जो होगा वो राउंड विंडो, ओपन जो होगा वो कहां से होगा, ओवल विंडो, ऐसा है वो। मिडल ईयर तक के जाएगा बेटा, चलो तो आगे बढ़े। अब देखो यार आपके क्वेश्चंस ना कुछ ऐसे जा रहे हैं जो ईएनटी लेवल पे जा रहे हैं, मैं ईएनटी स्पेशलिस्ट नहीं हूं, ठीक है? करेगा बेटा ज्यादा लिमिट से ज्यादा रहा और उसने जगह बना ली तो प्रॉब्लम तो क्रिएट करेगा ही, बाकी वैसे नहीं करेगा। ओके चलो तो फाइनली अब हम नेक्स्ट चैप्टर जो है वो स्टार्ट कर रहे हैं। अब किसी के भी डाउट है वो मुझसे कॉल पे कॉन्टेक्ट करेंगे, मैसेज पे कॉन्टेक्ट करेंगे, ठीक है? ऑपरेट करना पड़ेगा बेटा। ओके चलो तो अभी हम लोग यहाँ पे जो नेक्स्ट टॉपिक है मींस नेक्स्ट चैप्टर वो हम स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है? तो अभी यहाँ पे देखिए जो नेक्स्ट हमारा जो चैप्टर है जो हम लोगों को यहाँ पे जो स्टार्ट करना है वो क्या है,
कौन सा टॉपिक है, कौन सा चैप्टर है अभी? केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, ठीक है। क्या देख रहे हैं हम लोग, केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन जो है ये अभी हम यहां पर देखेंगे, जिसमें सबसे पहली चीज तो कुछ बेसिक जो व्यू है वो हम सबसे पहले समझते हैं। वेरी गुड बंदर। तो केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन जो है, क्या चीज, केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, तो सबसे पहले तो बेटा जो कोऑर्डिनेशन जो हो रहा है हमारे बॉडी में, ये जनरली टू टाइप से होता है, ठीक है। जो कोऑर्डिनेशन जो हो रहा है हमारे बॉडी में, ये जो है ये टू टाइप से होगा, ठीक है। तो कैसे हो रहा है कोऑर्डिनेशन, तो कोऑर्डिनेशन जो हमारे बॉडी में हो रहा है, जिसमें अभी हम लोग जो स्टडी कर रहे थे विद द हेल्प ऑफ नर्व्स, जिसे हम क्या कहते हैं, न्यूरल कोऑर्डिनेशन, और दूसरा हार्मोनल कोऑर्डिनेशन आएगा। तो न्यूरल कोऑर्डिनेशन जो है, आपने देखे होंगे कि नर्व्स यहाँ पे प्रेजेंट है, न्यूरॉन्स प्रेजेंट है, तो इसकी हेल्प से जो सिग्नल्स जो जनरेट होके जो जा रहे हैं और जो रिटर्न बैक आ रहे हैं वो बहुत फास्ट होते हैं, लेकिन बहुत थोड़े समय के लिए होते हैं, ठीक है। बहुत फास्ट होते हैं और थोड़ी देर के लिए ही होते हैं, लेकिन आप कभी भी देखना हार्मोनल सिग्नल्स जो रहेंगे, हार्मोन की वजह से हमारे बॉडी का जो कोऑर्डिनेशन जो होगा वो एकदम बहुत स्लो होता है, लेकिन बहुत लॉन्ग टर्म तक के होता है। क्यों होता है, क्योंकि यहां पे प्रेजेंट होती है डिफरेंट टाइप की ग्लैंड्स, और ग्लैंड्स जो है ये क्या कर रही है, ये सिक्रेट कर रही है डिफरेंट टाइप के हार्मोन, ठीक है। अब डिफरेंट टाइप के हार्मोन जो इस ग्लैंड से जो सिक्रेट होंगे, तो इसमें जो सिक्रेट हो रहे हैं, तो पहली चीज तो ग्लैंड जो बेटा दो टाइप की होती है, एक होती है जिसे हम कहते हैं एग्जोक्राइन ग्लैंड, ठीक है, और दूसरा होता है जिसे हम कहते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड। अब एग्जोक्राइन और एंडोक्राइन क्या होता है, तो देखो एग्जोक्राइन ग्लैंड जो है, क्या चीज, एग्जोक्राइन ग्लैंड जो है यदि हम देखें, तो एक ऐसा ग्लैंड जिसमें क्या होता है बेटा, डक्ट प्रेजेंट होती है, ऐसे ग्लैंड जिसमें डक्ट प्रेजेंट होती है, और जो सिक्रेशन होता है वो डक्ट की हेल्प से होगा, इस टाइप का जो ग्लैंड है वो एग्जोक्राइन कहलाता है। और एंडोक्राइन ग्लैंड जो है ऐसी होती है जिसमें डक्ट प्रेजेंट नहीं होती, मीन्स इसे क्या कहते हैं, डक्टलेस ग्लैंड। तो एग्जोक्राइन ग्लैंड में जो सिक्रेशन होता है वो डक्ट की हेल्प से होगा, तो ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम से कनेक्टेड होती है, ठीक है। किससे कनेक्टेड होंगी, डाइजेस्टिव सिस्टम से, और हमारे डाइजेस्टिव जूस सिक्रेट करती है जिसमें प्रेजेंट होते हैं एंजाइम्स। लेकिन यही चीज हम लोग एंडोक्राइन ग्लैंड की हम बात करें, तो एंडोक्राइन ग्लैंड जो है यहां पर जब डक्ट नहीं है, तो इसका सिक्रेशन जो रहेगा वो कहां पे जाएगा, तो ये सिक्रेट होकर के डायरेक्टली पहुंचता है हमारे ब्लड में। डायरेक्टली कहां जाएगा, हमारे ब्लड में, ठीक है। हाँ, अब इसमें पैनक्रियाज जो है बेटा ये मिक्स टाइप का ग्लैंड है, एंडोक्राइन और एग्जोक्राइन दोनों भी होता है। तो देखो एक मैकेनिज्म से यहां पर हम समझेंगे कैसे होता है। जैसे कि सपोज पैनक्रियाज के, अब जैसे कि स्टूडेंट ने भी यहां पे कहा पैनक्रियाज को लेकर के, तो मैं पैनक्रियाज से ही कुछ पॉइंट्स जो है आप लोगों को यहां पे एक्सप्लेन करता हूं, ठीक है। तो देखिए बेटा यहां पर जैसे कि सपोज यहां पर प्रेजेंट है लीवर, और यहां पर जो प्रेजेंट है पैनक्रियास, तो अब यदि हमारे बॉडी में, ठीक है, क्या चीज, हमारे बॉडी में यदि ब्लड ग्लूकोज लेवल जो है वो इंक्रीज होता है,
ब्लड ग्लूकोज लेवल इंक्रीज होता है तो इसको कंट्रोल करने के लिए सिक्रेट होता है इंसुलिन। बट इंसुलिन का रोल क्या है बेटा, और इसका सिक्रेशन कहां पे होता है? तो इंसुलिन जो सिक्रेट होता है ये कहां पर होगा? पेनक्रियाज में। समझ गए? पेनक्रियाज में जब इंसुलिन सिक्रेट हो रहा है तो सिक्रेट होकर के डायरेक्टली कहां पहुंचेगा? हमारे लीवर में। ठीक है, सिक्रेट तो यहां हुआ बट सिक्रेट होने के बाद विद द हेल्प ऑफ ब्लड स्ट्रीम ये पहुंचा लीवर में। और लीवर में हमारे बॉडी में जो एक्स्ट्रा जो ग्लूकोज होता है, ठीक है, जितना भी एक्स्ट्रा ग्लूकोज है इसको डायरेक्टली ये क्या करता है, कन्वर्ट कर देता है किस फॉर्म में? ग्लाइकोजन के फॉर्म में। सेकेंड टर्म, यदि मान लो हमारे बॉडी में यदि ग्लूकोज लेवल जो है वो क्या हो गया, वो डिक्रीज हो गया, एकदम फॉल हो गया, तो इस टाइम पे क्या होता बेटा? अब इस टाइम पे क्या होगा, ये हमारा पेनक्रियाज जो है अब एक दूसरे टाइप का हार्मोन सेक्रेट करेगा जिसे कहते हैं ग्लूकागॉन। ये लीवर है और ये पेनक्रियाज है। तो अब इस टाइम पे यहां से एक हार्मोन सेक्रेट होता है जो हमारे लीवर में जाएगा। भैया बोलेगा भूख लग गई, मॉर्निंग से आपने खाना नहीं खाया हो और आपके बॉडी में ग्लूकोज एकदम कम हो गया है, तो यहां से एक हार्मोन सिक्रेट हुआ जिसे कहते हैं ग्लूकागॉन। ग्लूकागॉन जो है डायरेक्टली कहां पहुंचा? लीवर के पास पहुंचा। लीवर के पास जाते ही अभी यहां पे क्या होगा, जितना भी जो स्टोर्ड ग्लाइकोजन था उसको ब्रेक करेगा किसमें? ग्लूकोज के फॉर्म में। जब आप देखो फास्टिंग कंडीशन रहती तब भी आपकी बॉडी को थोड़ा थोड़ा एनर्जी मिलते रहता है। समझ गए? नीनाद बेटा क्या मैसेज भेजा, नहीं समझा मैं? तो इस तरह से हमारे बॉडी में हार्मोन का ये मैकेनिज्म होता है। अब हम लोग यहां पर हार्मोन की कुछ प्रॉपर्टीज होती है वो हम देख लेते हैं बेटा। ठीक है, क्या है प्रॉपर्टीज, किसकी हम देख रहे हैं? हार्मोन की प्रॉपर्टी। ओके, हार्मोन पहली चीज तो ये हार्मोन जो टर्म जो दिया है एक साइंटिस्ट है जिसका नाम है स्टार्लिंग, इन्होंने हार्मोन टर्म दिया है। और हार्मोन जो है ये एक नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल होता है। हार्मोन जो है ये एक नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल होता है जो एक्ट करता है एज अ इंट्रा सेलुलर मैसेंजर। कैसे? इंट्रा सेलुलर मैसेंजर की तरह काम करता है। ये इंट्रा सेलुलर मैसेंजर की तरह कैसे काम करेगा? जैसे कोई एक सेल है, हार्मोन इधर से सिक्रेट हुआ और ये डायरेक्टली सेल के अंदर जाएगा और एक मैसेज दे रहा है, वो करना क्या है, सेल के फंक्शंस को किस तरह से परफॉर्म करना है, इस तरह से यहाँ पे ये हेल्प करता है। नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल मतलब बाकी कुछ केमिकल ऐसे होते हैं जो न्यूट्रिएंट से रिलेटेड होते हैं, जो हमारे मेटाबॉलिक एक्टिविटी या एनर्जी प्रोडक्शन में इन्वॉल्व होते हैं, बट हार्मोन ऐसा नहीं है। इसका जो मॉलिकुलर वेट जो होता है वो कैसा होता है बेटा? लो मॉलिकुलर वेट होता है। ठीक है, वाटर में इजिली सोल्यूबल हो जाता है, सोल्यूबल इन वाटर, या फिर ब्लड की हम बात करें उसमें भी यदि सोल्यूबल नहीं होगा तो ये मूवमेंट इसका आसानी से नहीं होगा। कभी भी देखना हार्मोन जो है बेटा ये हमारे बॉडी को जितना चाहिए उतना ही हमारे बॉडी में ग्लैंड्स जो है उतना ही इससे सिक्रेट करता है। लेकिन यदि मान लो हमारे बॉडी में इसका डेफिशिएंसी हो गया, सिक्रेशन यदि कम हुआ, ठीक है, तो उसे क्या कहेंगे? डेफिशिएंसी। या फिर यदि मान लो ये हमारे बॉडी में इसका एक्सेस हुआ तो डिफरेंट टाइप के डिसऑर्डर जो है ये देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमारे बॉडी में हार्मोन जो है हमारे बॉडी की होमियोस्टेसिस जो है
हमारे बॉडी का बैलेंसिंग जो है ये मेंटेन करके रखता है। हाँ, जैसे मिनरल से होता है वैसे बेटा, समझ गए? तो क्या क्या देख लिया हम लोगों ने केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में? यहां पे हम लोग अभी सबसे पहले देखे क्या चीज, हार्मोन्स और हार्मोन का प्रॉपर्टी कैसे ये काम कर रहा है। डिफरेंट टाइप के आपको यहां पर ग्लैंड्स जो है ये दिखाई दे रही है, जिसमें एंडोक्राइन ग्लैंड्स स्पेशली आ रहा है बेटा, जो हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं, क्योंकि हम लोग यहाँ पे जो स्टडी कर रहे हैं वो स्टडी कर रहे हैं एंडोक्राइन सिस्टम। क्या देख रहे हैं हम लोग? एंडोक्राइन सिस्टम। तो हार्मोन एक नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल है, पहली चीज तो कैसा है, नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल जो एक इंटरसेलुलर मैसेंजर की तरह काम करता है, जो हमारे बॉडी में बहुत ही कम अमाउंट में सिक्रेट होता है, वेरी वेरी ट्रेस अमाउंट, ठीक है। साथ ही साथ यहाँ पे ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम हम देख रहे हैं अभी, तो इसमें सबसे पहले आप देखिए बेटा, डिफरेंट टाइप के आप लोगों को यहाँ पे ग्लैंड्स दिखाई दे रही है, जैसे कि आपको सबसे पहले हाइपोथैलेमस, वहीं पे प्रेजेंट है पिट्यूटरी ग्लैंड, फिर नीचे आएंगे तो पिनियल ग्लैंड, फिर उसके नीचे आएंगे तो थायरॉयड ग्लैंड, पैराथायरॉयड, फिर थायमस, उसी के साथ साथ एड्रेनल ग्लैंड जो हमारे किडनी के टॉप पे होता है, टेस्टिस और ओवरी, पैनक्रियाज, ये सारे जो है ये क्या है बेटा, ग्लैंड्स है। और ये सारी ग्लैंड्स जो है डिफरेंट टाइप का सिक्रेशन जो है उसमें इन्वॉल्व हो रही है, डिफरेंट टाइप के हार्मोन्स को सिक्रेट कर रही है। तो ये सारा सिक्रेशन जो कंट्रोल होता है, वैसे देखा जाए तो मेनली हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड में, पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड कहते हैं। अब ये कैसे होता है ये सारा सिक्रेशन कंट्रोलिंग, ये हम लोग यहाँ पर समझेंगे। तो यहाँ पे आप लोग देख रहे हो बेटा, डिफरेंट टाइप के एंडोक्राइन ग्लैंड, हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी ग्लैंड, पिनियल ग्लैंड, थायरॉयड ग्लैंड, पैराथायरॉयड ग्लैंड, थायमस, एड्रेनल, पेनक्रियाज एंड गोनाड्स, गोनाड्स में टेस्टिस और ओवरी आते हैं, ठीक है। क्या आता है? टेस्टिस और ओवरी। तो ये सारे ग्लैंड्स जो है यहाँ पर हम लोगों को स्टडी करनी है, जिसमें सबसे पहले हम देखेंगे हाइपोथैलेमस। ब्रेन का हम लोगों ने स्टडी किए हैं, आपको मैंने वहां पे कहा था कि हाइपोथैलेमस जो है यहाँ पर न्यूरो सिक्रेटरी सेल्स प्रेजेंट होती है। हाँ बेटा, ये सिक्रेट करते हैं बेटा, सारे ग्लैंड हार्मोन सिक्रेट करेंगे, ठीक है। हाँ, सिक्रेशन बैलेंस रहना चाहिए, जितना जरूरी उतना ही सिक्रेशन बेटा तारेस बैलेंस होना चाहिए। तो हाइपोथैलेमस जो है यहाँ पे कुछ सेल्स प्रेजेंट होती है, न्यूरो सिक्रेटरी सेल्स, जिसका यदि हम रोल देखें तो वो क्या है, इसका सिक्रेशन जो है पिट्यूटरी ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड में एंटेरियल और पोस्टीरियल लोब जो होते हैं उसे क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं। तो सबसे पहले हम हाइपोथैलेमस जो है इसे हम समझ लेते हैं क्या है यहाँ पर, और इससे जो मेन जो हार्मोन सिक्रेट हो रहे हैं वो कौन से हैं और ये कैसे कंट्रोल करते हैं। यही वाला बेटा हार्मोनल फंक्शन ह्यूमन रिप्रोडक्शन जब हम पढ़ेंगे तो वहां पर भी आएगा। तो कुछ हार्मोन हम लोग यहाँ पर और कुछ बेसिक पोर्शन हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं, और इसी के साथ साथ जो है इसके आगे नेक्स्ट पार्ट पढ़ेंगे हम लोग ह्यूमन रिप्रोडक्शन में। तो देखो यहाँ पे बेटा, न्यूरो सिक्रेटरी सेल्स स्पेशल न्यूक्लियस से बनी हुई है, जो जो सिक्रेट कर रहे हैं बेटा, जनरली एक रिलीजिंग हार्मोन कहते हैं जिसे, दूसरा इनहिबिटिंग हार्मोन, और एक एक्स्ट्रा कैटेगरी है जिसको ऑक्सीटोसिन और वैसोप्रेसिन कहते हैं। ये हार्मोन जो है हमारे हाइपोथैलेमस से सिक्रेट होते हैं। सभी के फंक्शंस क्या है ये हम देखेंगे, सारी चीजें आप लोगों की क्लियर हो जाएगी। तो सबसे पहले रिलीजिंग और इनहिबिटिंग हार्मोन जो है क्या है और इसका जो रोल है ये क्या होता है, ये हम लोग यहां पर जानेंगे, ठीक है। तो देखो बेटा, यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा है हाइपोथैलेमस, जहां पे हाइपोथैलेमिक न्यूरॉन्स प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है? हाइपोथैलेमिक न्यूरॉन्स। और इस तरह से यहाँ पर एक पोर्टल सिस्टम है, पोर्टल सिस्टम मींस इसे हाइपोसियल पोर्टल सिस्टम कहते हैं, जो हमारे ब्रेन मींस हाइपोथैलेमस से पिट्यूटरी ग्लैंड तक के ब्लड को क्या कर रहा है, ट्रांसपोर्ट कर रहा है, ठीक है। ऑक्सीटोसिन भी एक हार्मोन है, इसका फंक्शन हम पढ़ेंगे, बर्थ हार्मोन कहते हैं बेटा इसे, ओके। तो अभी देखिए, ये जो पोर्टल सर्कुलेशन की हेल्प से हाइपोथैलेमस का ब्लड जो है हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड के साथ कनेक्टेड रहेगा, ओके। समझ में आ गया इतना पार्ट? फास्ट हो रहा है क्या? बहुत फास्ट हो रहा है, ठीक है, स्लो कर देते हैं। हाँ, क्या क्या देख लिया अभी हमने? अभी ऐसा कुछ पार्ट बेटा जो नहीं समझा है तो पूछ लो, यदि ऐसा लगाऊंगा फास्ट। अभी हमने सिर्फ यही देखे कि जो हाइपोथैलेमस है इसमें सिर्फ और सिर्फ तीन टाइप के सिक्रेशन हो रहे हैं। एक हो रहा है जिसे कहते हैं रिलीजिंग हार्मोन,
दूसरा जिसे कहते हैं इनहिबिटिंग हार्मोन, और एक है ऑक्सीटोसिन और वैसोप्रेसिन। इनके फंक्शंस अभी मैंने आपको एक्सप्लेन नहीं किया, अभी आगे चल के हम देखने वाले हैं। अब हाइपोथैलेमस कहाँ पे होता है? अरे हाइपोथैलेमस अभी ब्रेन पढ़े ना यार हम लोगों ने, देखो इस तरह से हमने ब्रेन पढ़े थे याद है, ब्रेन में हमने इसका पार्ट देखे थे फॉर ब्रेन। फॉर ब्रेन में दो टाइप देखे थे, एक अपर पार्ट जो सेरेब्रम होता है, सेरेब्रम, उसके बाद हमने देखे थे डायन्सेफेलॉन। डायन्सेफेलॉन के तीन टाइप देखे थे, इपिथेलेमस, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। तो डायन्सेफेलॉन का जो फ्लोर होता है ये वाला बेस ऑफ द डायन्सेफेलॉन, जिसे क्या कहते हैं हाइपोथैलेमस, याद है? लगता है आप लोगों ने रिवाइज नहीं किया हो बेटा, ब्रेन को रिवाइज करो अच्छे से, ठीक है? तो अब यहाँ पे रिलीजिंग और इनहिबिटिंग हार्मोन सीक्रेट हो रहा है। तो रिलीजिंग और इनहिबिटिंग हार्मोन क्या होते हैं ये थोड़ी देर में आपको क्लियर हो जाएगा। रिलीजिंग मतलब, चलो थोड़ा सा मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। रिलीजिंग मतलब जैसे कि सपोज ये पिट्यूटरी ग्लैंड है और यहां से हाइपोथैलेमस से एक हार्मोन सीक्रेट हुआ, और ये सीक्रेट होकर क्या किया, पिट्यूटरी ग्लैंड के जो एंटेरियल और पोस्टेरियल ऐसे दो लोब होते हैं इसके पास। तो जैसे कि सपोज ये पिट्यूटरी ग्लैंड का एंटेरियल लोब है, तो इसने क्या किया एंटेरियल लोब को एक्टिवेट किया, जिससे इसके पास जो हार्मोन प्रेजेंट है वो क्या होंगे, सिक्रेट हो जाएंगे। जैसे FSH होता है, LH होता है, TSH होता है, GH होता है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन, ये हार्मोन होते हैं बेटा। ये सारे हार्मोन के फंक्शन हम पढ़ने वाले हैं। तो हाइपोथैलेमस से एक हार्मोन जो रिलीजिंग हार्मोन है उसने क्या किया, पिट्यूटरी ग्लैंड को एक्टिवेट किया, और ये जितने भी हार्मोन थे इसको बोला भैया रिलीज कर दो, एक काम ये हो गया। एक होता है इनहिबिटिंग हार्मोन। इनहिबिटिंग हार्मोन क्या करता है, ये यहां से सीक्रेट होगा, बोलेगा ये कुछ भी नहीं चाहिए, आगे जाना नहीं चाहिए, रोक दो। तो इस तरह से सीक्रेशन जो कंट्रोल हो रहा है, तो इस तरह से दो टाइप के हार्मोन है, रिलीजिंग और इनहिबिटिंग हार्मोन, जो हाइपोथैलेमस से सीक्रेट हो रहे हैं। ओके, तो अभी ये देखो बेटा यहां पे न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स, जिसमें ये हाइपोथैलेमिक न्यूरॉन, इसका सीधा कनेक्शन जो है ये पिट्यूटरी ग्लैंड तक के कनेक्टेड है। ये देखो दिखाई दे रहा है, तो पिट्यूटरी ग्लैंड में आपको टू लोब्स दिखाई दे रहे हैं। इधर साइड एक लोब है जिसे पोस्टेरियल पिट्यूटरी कहते हैं, इधर साइड आपको एक लोब दिखाई दे रहा है जो एंटेरियल पिट्यूटरी कहलाएगा। ओके, पोस्टेरियल एंड एंटेरियल पिट्यूटरी ग्लैंड। तो अभी देखिए रिलीजिंग हार्मोन मींस स्टिमुलेट सिक्रेशन ऑफ पिट्यूटरी हार्मोन, ठीक है? जैसे कि एक एग्जांपल है, जैसे कहते हैं GnRH, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। तो GnRH जब हाइपोथैलेमस से सिक्रेट हुआ तो सिक्रेट होके डायरेक्टली कहां गया, पिट्यूटरी ग्लैंड के पास। पिट्यूटरी ग्लैंड के पास जैसे गया तो GnRH क्या करता है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एंड फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन के सिक्रेशन को प्रमोट करता है, ठीक है? तो गोनेडोट्रोपिन्स LH और FSH ये सिक्रेट करेगा। अब ये LH और FSH कहां जाएगा मालूम है, ये हमारे गोनाड में जाएगा। गोनाड क्या होता है जानते हो, टेस्टिस और ओवरी, और टेस्टिस में जब गया तो स्पर्मेटोजेनेसिस, और ओवरी में जब गया तो ओजेनेसिस का प्रोसेस होगा, ओविलेशन का प्रोसेस भी होता है, टेस्टोस्टेरोन, ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन का सिक्रेशन भी होता है। तो इस तरह से बेटा हमारा जो ब्रेन है, ब्रेन में जो हाइपोथैलेमस है, हाइपोथैलेमस ने इस तरह से रेगुलेट किया इस मैकेनिज्म्स को, जिससे मतलब सिक्रेशन हुआ, सिक्रेशन फिर आगे बढ़ा, एक ग्लैंड के पास गया, फिर वो ग्लैंड के फंक्शंस को उसने एक्टिवेट किया, फिर वो ग्लैंड से बाकी फर्दर जो फंक्शंस है वो काम कर रहे हैं। समझ गए? तो इस तरह से यहां पर ये मैकेनिज्म होती है। तो रिलीजिंग हार्मोन क्या है, समझ में आ गया? रिलीजिंग हार्मोन के बाद नेक्स्ट हार्मोन होता है जिसे कहते हैं इनहिबिटिंग हार्मोन। इनहिबिटिंग हार्मोन जो है ये क्या करता है बेटा, इनहिबिट द सिक्रेशन ऑफ पिट्यूटरी हार्मोन। जैसे एक एग्जांपल है सोमेटोस्टेटिन, क्या नाम है, सोमेटोस्टेटिन। अब देखो जैसे कि सपोज पिट्यूटरी ग्लैंड एक हार्मोन सिक्रेट कर रहा था, ग्रोथ हार्मोन। ग्रोथ हार्मोन जो है हमारी बॉडी ग्रोथ के लिए इन्वॉल्व था। अब ग्रोथ हार्मोन जब हमारे बॉडी ग्रोथ के लिए इन्वॉल्व था,
लिमिट से ज्यादा सिक्रेशन हो जाएगा तो क्या होगा, हाइट बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, बॉडी मास बहुत बढ़ जाएगा। तो अब हमारे बॉडी में सफिशियंट यदि ग्रोथ हो गई है तो उस टाइम पे क्या होगा बेटा, सोमेटोस्टेटिन सिक्रेट होगा, और सोमेटोस्टेटिन जो है क्या करेगा, इस ग्रोथ हार्मोन के सिक्रेशन को इनहिबिट कर देगा। तो अब ग्रोथ हार्मोन का सिक्रेशन नहीं होगा तो एक्सेसिव जो हाइट जो बढ़ रही थी वो बढ़ेगी क्या अभी, नहीं। एक्सेसिव जो बॉडी ग्रोथ हो रहा था अभी वो होगा क्या, नहीं। तो सोमेटोस्टेटिन जो है वो क्या कर रहा है, हमारे ग्रोथ हार्मोन के सिक्रेशन को इनहिबिट करता है, उसके रिलीज होने को क्या करता है, इनहिबिट करता है। तो इस तरह से दो हार्मोन है, एक रिलीजिंग हार्मोन और एक इनहिबिटिंग हार्मोन, जो यहां पर इस तरह से इन्वॉल्व हो रहे हैं। और लास्ट में आता है बेटा ऑक्सीटोसिन और वैसोप्रेसिन, ये हार्मोन भी जो है हमारे हाइपोथैलेमस के ही हार्मोन है, जो ट्रांसपोर्ट होकर के ये जो पोस्टेरियल पिट्यूटरी जो ग्लैंड है यहां पे आकर के स्टोर हो जाएंगे, और जब जरूरत होगी जब यहां से सिक्रेट होंगे और उसके बाद फिर ये कंट्रोल करेंगे। वैसोप्रेसिन मींस वेसल्स को प्रेस करता है, जिससे हमारा ब्लड प्रेशर और जीएफआर बढ़ जाता है, हम लोगों ने एक्सक्रीशन में पढ़े थे, ठीक है, जीएफआर बढ़ता है। तो ये जीएफआर कैसे बढ़ता है, तो जो वैसोप्रेसिन जो होता है वेसल्स को प्रेस कर रहा है ये। ऑक्सीटोसिन ये बर्थ हार्मोन है, ये जब पार्टुरेशन का जो प्रोसेस होता है ना उसमें जो यूटेराइन कॉन्ट्रेक्शन है उसमें ऑक्सीटोसिन इन्वॉल्व होता है, तो ये हाइपोथैलेमिक हार्मोन है, ठीक है। हाइपोथैलेमस में फॉर्म हुए, प्रोड्यूस हुए, बट स्टोर होके कहां पे स्टोर हो रही है, पोस्टीरियर लोबर पिट्यूटरी ग्लैंड। क्या कहते हैं इसे, पोस्टीरियर लोबर पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है। यहां से एक और हार्मोन सिक्रेट होता है, ठीक है, अभी फिलहाल आप इतना याद रखिए, आगे चल के हम देखेंगे फिर उसमें। इतना पोर्शन समझ में आ गया है, यदि आ गया होगा तो देखो बेटा हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड का लोकेशन क्या है, कहां पर होता है। तो देखिए बेटा ये हमारा ब्रेन है, दिखाई दे रहा है, ये जो हमारा ब्रेन है यहां पर इस तरह से हम लोगों ने देखे थे, एक साइड पिनियल ग्लैंड और एक साइड पिट्यूटरी ग्लैंड प्रेजेंट होता है। तो ये इस तरह से ये जो हो गया हाइपोथैलेमस, और हाइपोथैलेमस से इस तरह से ये लोकेटेड होकर यहां पर जो प्रेजेंट है ये पिट्यूटरी ग्लैंड। ये हमारा बेटा ब्रेन में ये बोन है बेटा, क्रेनियम का एक बोन होता है, ये बोन जो है इस बोन की कैविटी होती है यहाँ पे, ये दिख रही है कैविटी जहां पे पिट्यूटरी ग्लैंड प्रेजेंट है। तो ये जो कैविटी जो होती है इसे सेला टर्सिका कहते हैं, क्या कहते हैं इसे, सेला टर्सिका, ठीक है। बस बेटा वेट करो, नहीं ना थोड़ा सा ये बीच में छोड़ नहीं सकते इसको, हम बीच में छोड़ रहे तो हर दिन हमारा डिले होते जा रहा है। इसके बाद क्लास है क्या आपका, होमवर्क है, पेपर है, तीन क्लास हो गए। हाँ मैं समझ सकता हूँ बेटा आपका प्रॉब्लम, मैं भी मॉर्निंग से ही क्लास ले रहा हूँ आपके जैसे, ठीक है, जस्ट वेट, ओके ओके। देखिए ये थोड़ा सा पार्ट मैं आगे नहीं पढ़ा रहा हूँ, पिट्यूटरी ग्लैंड अभी मैं स्टार्ट नहीं करने वाला हूँ, सिर्फ मैं आपको ये लोकेशन जो है कहाँ पर ये बता रहा हूँ। तो पिट्यूटरी ग्लैंड अभी हम स्टार्ट करेंगे तो बहुत सारा पार्ट आएगा, बहुत सारा समझना पड़ेगा हम लोगों को, ठीक है। सिर्फ आप ये समझ लो कि कहाँ पर है, अभी सिर्फ हम अभी हाइपोथैलेमस पढ़ रहे हैं ना, तो उसको हम कंप्लीट कर रहे हैं कि हाइपोथैलेमस और जो क्या कह सकते हैं जो लोकेशन है हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड का वो कहाँ पर है। तो देखो ये हाइपोथैलेमस है, फिर इसके साथ एक ऐसा स्टॉक आता है बेटा जिसे इनफंडिबुलम कहते हैं, और फिर इस तरह से पोस्टेरियर और एंटीरियर लोब पिट्यूटरी ग्लैंड के ये रहते हैं, और सराउंडेड यहाँ पर इस तरह से एक बोन होती है, तो इस बोन का एक कैविटी होता है बेटा, ठीक है। जो बोन की जो कैविटी है इसे कहते हैं सेला टर्सिका, ठीक है, क्या कहते हैं सेला टर्सिका, जो हाइपोथैलेमस से एक स्टॉक के थ्रू जिसे इनफंडिबुलम कहते हैं इसके थ्रू पिट्यूटरी ग्लैंड जो है कनेक्ट होता है, अटैच्ड होता है। तो ये हो गया क्या चीज, पिट्यूटरी ग्लैंड। इसके हम टाइप्स देखेंगे बेटा, पार्स नर्वोसा, पार्स इंटरमीडिएट, डिस्टलिस, टर्बलिस, क्या होता है ये हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। मीन्स नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पिट्यूटरी ग्लैंड क्या होता है ये स्टडी करेंगे।
तो आप लोग बेटा एनसीईआरटी में जितने भी हार्मोन्स और ग्लैंड्स दिए हैं ये सारे पढ़ के आएंगे, पढ़ना जरूरी बेटा, दो बार पढ़ के आना पड़ेगा। कल संडे है, सारा पढ़ के रख लो, मंडे में भी आपका इवनिंग का क्लास होगा या नहीं होगा आई डोंट नो, ठीक है। मंडे से लेके सैटरडे तक के मैं आपका डेली क्लास नहीं रखूंगा, मे भी आपको वीक में दो दिन क्लास दूंगा, तो एक दिन MWF वाले लोगों का हो जाएगा और एक दिन TTS वालों का होगा, ठीक है। कुछ शेड्यूल चेंज होता है या क्लास होता है तो मैं आपको अपडेट करूंगा, ठीक है, और उसके अकॉर्डिंग आपका क्लास रहेगा, ठीक है। एक चैप्टर और बहुत ही थोड़ा सा पोर्शन रह गया आप लोगों का, तो आपको अभी डेली जो है इवनिंग में क्लास करने का नीड नहीं है, आज इवनिंग में आप लोगों का क्लास रहेगा TTS वालों का, ठीक है, ओके बेटा, चलो। और बाकी का कुछ एक्स्ट्रा पोर्शन जो रहते हैं वो हम संडे को लेकर के कंप्लीट करेंगे हमारा सिलेबस। मंडे मॉर्निंग में यदि हमारा क्लास रहता है तो डिस्कस करेंगे, नहीं तो आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएंगी ग्रुप में। 3, 4, 5 में बेटा प्लांट एनाटॉमी स्टार्ट है अभी, चलो तो एंड करते हैं बेटा आज की क्लास। थैंक यू, आपको भी अटेंड करना है तो आज बेटा इवनिंग में प्लांट एनाटॉमी जो है वो स्टार्ट हो रहा है। जिन लोगों को अटेंड करना है मुझे, आप एक काम कीजिए, मुझे आप मैसेज कर दीजिए, मैं आपको लिंक फॉरवर्ड कर दूंगा, सभी को लिंक भेजते जाऊं। बीच में आप ही लोगों ने प्रॉब्लम की है तो इसलिए मैंने लिंक सभी लोगों को नहीं पोस्ट किया हूं। चलो ठीक है, एक काम करता हूं, आज मैं ग्रुप में सभी लोगों को लिंक पोस्ट कर दूंगा, प्लांट एनाटॉमी जितने लोगों को अटेंड करना है वो लोग अटेंड कर सकते हैं फिर। हाँ बेटा आर्यन लॉन्ग होते हैं, ओके ग्रुप में मिल जाएगा लिंक। आपको कुछ भी नहीं आता है उसका, चलो कोई बात नहीं, बहुत अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा एक एक पार्ट। हाँ बेटा प्रसाद पेपर चेक कर लिया मैंने, करेक्ट है, 2-3 क्वेश्चन में कंफ्यूजन है, बाकी सारी चीजें ओके हैं। हाँ बेटा वो लास्ट लेक्चर से स्टार्ट हो गया था बट आप लोगों के लिए मैं आज से फिर से स्टार्ट कर दूंगा प्लांट एनाटॉमी, ओके। हाँ आज फिर से स्टार्ट कर देता हूं मैं, थर्सडे के इवनिंग क्लास क्या हुआ था, थर्सडे को क्या हुआ था मैं भूल गया, अभी ऐसे कैसे याद रहेगा बेटा, बहुत सारे क्लास रहते हैं आपके अलावा दूसरे बैचेस भी रहते हैं, ठीक है। आइए बेटा मैं लिंक पोस्ट कर देता हूँ, स्टार्ट करते हैं। आर्यन और जो लोग को क्या कहते हैं वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे, अभी बेटा जिसे लीव करना है क्लास वो लीव कर सकते हैं, किसी के डाउट्स हैं तो वो पूछ सकते हैं, अभी तक के जो पढ़ाया उससे रिलेटेड यदि किसी का कुछ प्रॉब्लम है तो आप पूछिए बेटा। अभी मॉर्फोलॉजी का एंडिंग था बेटा थर्सडे इवनिंग में, और एनाटॉमी का कुछ पढ़ाया था बट नेटवर्क का प्रॉब्लम आया होगा शायद, उसी दिन आया था कि नेटवर्क का प्रॉब्लम। हाँ तो आज से हम लोग एनाटॉमी जो है वो स्टार्ट करेंगे, ओके यू कैन लीव नाउ, इफ यू हैव एनी टाइप ऑफ डाउट यू कैन आस्क मी नाउ, अब तक जो पढ़ाया उससे रिलेटेड। चलो कोई डाउट नहीं है तो एंड करते हैं बेटा, थैंक यू, बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे। कल का क्लास का भी आइडिया नहीं है बेटा, रहेगी तो मैं इन्फॉर्म करूंगा इवनिंग में या फिर ग्रुप में आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। ओके बाय, थैंक यू।